दरबार में दे रहे हैं दस्तक। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा भाजपा जीतने के लिए नकली कांग्रेसियों को पार्टी में कर रही है शामिल। जीएसटी राजस्व संग्रह ने रच दिया इतिहास, अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन, अप्रैल में 1,87,000 करोड़ रुपए का किया संग्रह। और एमपीएमएल कोर्ट से सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता हुई समाप्त, मऊ से अफजाल अंसारी थे बसपा के सांसद। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी गोरखपुर वासियों से हमारी अपील है कि गोरखपुर समेत सभी नगर पंचायतों में भाजपा को जीत दिलाना सुनिश्चित करें। विकास तभी हो पाएगा जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सभी लोग एकजुट होकर 4 मई को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें, जिससे विकास की रफ्तार अनवरत जारी रहे। नगर निगम के साथ साथ गोरखपुर के सभी नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, इसके लिए भी मैं पूरे गोरखपुर जनपद वासियों से भी अपील करूंगा, क्योंकि विकास तभी हो पाएगा। कोई निर्दल जीत जाएगा क्या मतलब उसका? कोई जिस पार्टी की राज्य में सरकार नहीं और केंद्र में सरकार नहीं, नगर निकाय में जीत के कर भी क्या लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जब समन्वय ही नहीं, पारतम्यता ही नहीं, तो विकास बाधित होगा। बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सफाई नहीं हो पाएगी, विकास का लय नहीं बन पाएगा। और इसलिए विकास की लय बनाने के लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी का वोट गोरखपुर नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पंचायतों में बने। इसके लिए हम सब प्राण प्रण से जुटे। 4 मई को भारी बहुमत से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को महापौर पद के लिए और सभी पार्षदों को उनके वार्ड वार्ड से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम चुनाव में भाजपा के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जौनपुर आने के लिए मैं सुबह से ही उत्सुक था। जौनपुर के लोग भाजपा प्रत्याशियों को जिताने में भाजपा की मदद करें, जिससे यहां का समुचित विकास किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौनपुर की पहचान भुआ और बबुआ ने खराब कर रखी थी, इमरती की मिठास को गायब कर दिया था और युवाओं के हाथ में तमंचे थमा दिए थे। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। क्या नहीं है जौनपुर के पास? जौनपुर का मेडिकल कॉलेज फिर से प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री शिवनाथ सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण करके हम उस मेडिकल कॉलेज को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने इस बात को तय किया है। यहां इमरती की मिठास दुनिया तक पहुंचे, जहां सरकार इस कार्य को लेकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ जौनपुर फिर से अपनी उस पहचान को लेकर के आगे बढ़ सके जिसके लिए जौनपुर जाना जाता था। भाइयों बहनों, आज जौनपुर ही नहीं, प्रदेश के सभी 75 जनपदों की स्थिति आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के विकास पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश
एक सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दुनिया और देश उधर आकर्षित हो रहा है। और इसीलिए जब यहां नगर निकायों के चुनाव के वर्तमान प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, आज जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आपको दिखता है, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं रेलवे बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है। चंदौली जनपद में 4 मई को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने मतदाताओं से भाजपा को जिताने की अपील की। दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चंदौली के प्रबुद्धजनों से मुलाकात की और भाजपा को जिताना क्यों आवश्यक है इस संदर्भ में अपनी बात रखी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सद्भाव बिगाड़ने का नहीं, भारत को जोड़ने के लिए काम करती है। निराधार आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से भी ज्यादा रिकॉर्डों से चुनाव नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में पार्षदों के बहुमत के साथ जीती। जब वहां भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार कर्नाटक में शिवमोगा में 3 दिन रहकर मैं आया हूं और मैंने हासन में भी दौरा किया और जिस तरह की वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डबल इंजन सरकार के पक्ष में माहौल चल रहा है, जब परिणाम आएगा तो खुद राहुल गांधी के बयान निराधार साबित। सीतापुर में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के भाजपा उम्मीदवार समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए संघर्ष हो रहा है और भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। बिना भेदभाव के आवास, गैस कनेक्शन, बिजली, किसान सम्मान निधि सभी को मिल रही है। भाजपा सरकार में आवास बनाए जा रहे हैं, वही सपा सरकार में कब्रिस्तान बनाए जा रहे थे। बीएसपी हो या सपा हो या कांग्रेस हो, लोगों का विश्वास उठ गया है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 साल का एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक योजना तैयार की है उससे 25 साल तक की बीजेपी की सरकार रहेगी। और जो लोग भी इस देश से प्रेम करते हैं, मानव से प्रेम करते हैं, इंसानों से प्रेम करते हैं, विकास से प्रेम करते हैं, वो सब लोग सपा बसपा कांग्रेस छोड़ेंगे और भाजपा में शामिल होंगे। जो लोग भी आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। हरदोई के शाहबाद में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा बेहतर कानून व्यवस्था की गारंटी है, भाजपा अपराधियों को जेल में डालने और भ्रष्टाचार को रोकने की गारंटी है, भाजपा तेज विकास और गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कागज पर पुल बन जाते थे, अब धरातल पर सड़क और पुल बन रहे हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, सपा में भगदड़ मची हुई है, सपा बसपा की जमानत चुनाव में जब्त हो जाएगी। मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है, उनकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। जो लड़ रहे हैं वो पछता रहे हैं और उनको मालूम है कि कमल के फूल के साथ जनता खड़ी हो गई है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तो परिश्रम करता ही है लेकिन आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है और जनता के आशीर्वाद से 2014 से लगातार हम लोग विजय यात्रा पर हैं और 2023 के इस चुनाव को भी हम लोग जीतेंगे। 2023 का नगर निकाय और 2024 का लोकसभा भाजपा का कमल खिलेगा। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के साथ चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की कि वो भाजपा के प्रत्याशी को जिताने में मदद करें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली बार जिन वार्डों में हमारे पार्षद नहीं थे वहां भी हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं जो हमेशा जनता के लिए काम करते हैं। देश और दुनिया में हर संकट की घड़ी में वो भारत के लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। सपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब इटावा से हुए अपहरण सैफई से छूटते थे। इस अवसर पर महापौर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने कहा कि आपका आशीर्वाद चाहती हूं। चिकित्सक हमेशा समाज के लिए काम करते हैं, उनसे जनता को बड़ी अपेक्षा है, उनकी मदद से भाजपा को मजबूती मिलेगी।
तीन दिन का चुनाव बचा है, अभी दूसरे चरण का 11 तारीख को पोल होगा। आपके बीच में हम परिवार की तरह बैठे हैं और आप हमारी मदद करो। चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथी हो तो आप तो मदद कर ही रहे हैं, त्रिपाठी जी हैं और खन्ना जी, सब पूरी टीम है, लेकिन चिकित्सक सामूहिक रूप से आम जनता से घर घर जुड़ा होता है, क्योंकि हम चिकित्सा विभाग में काम कर रहे हैं। और ये जान लीजिए, एक चिकित्सक को आप अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति सचिवालय से भी फोन आ सकता है। कितना महत्वपूर्ण आपके पास है, आप किसी से भी आप सीधा संपर्क में हो, तो आप आम जनता के भी हजारों लोगों के संपर्क में हैं, तो आप सबसे बात करके मैक्सिमम वोटों से, क्योंकि इतिहास बनाना है। और मुझे लगता है कि इस बार सुषमा जी की जीत ऐतिहासिक होगी। मथुरा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पदयात्रा कर मतदान करने की अपील की। भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हैं उससे जीत सुनिश्चित लग रही है। मथुरा में विकास की जो धारा बह रही है उसको अनवरत जारी रखने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना आवश्यक है। भारी बारिश के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मंत्री ने इसे जीत का संकेत बताया है। आज का जो जुलूस था ये खाली कोई सामान्य जुलूस नहीं था, बल्कि उनकी जीत की पूर्वगामी अनुमान और जैसा था पूरा अनुमान निश्चित रूप से सफल होगा। पूरा नगर उनके साथ चल रहा था, पूरा नगर माननीय विनोद अग्रवाल जी के अगुवाई में चल रहा था, इसलिए इस चुनाव के प्रयास को पहले ही हो चुका है। हमें इस प्रयास को इस चुनाव को जीतने के लिए इतना प्रचंड जन समर्थन के लिए भगवान श्री कृष्ण की राधे रानी की इनके पंचमी वाली कृपा के लिए मैं माननीय विनोद अग्रवाल जी को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं आगरा में भी भाजपा प्रत्याशियों के लिए कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगरा की समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा के मेयर प्रत्याशी और पार्षदों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर जिताने का काम करें। पार्षद के प्रत्याशी पक्ष में मतदान किया, लेकिन साथ ही पूरा का पूरा जो जनमानस है भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला है। इसे मैं बहुत खुशी के साथ, बहुत ही आनंदित होकर के और पूरे आत्मविश्वास के साथ कि हमारे मेयर पक्ष के और पार्षद की प्रत्याशी जितनी होगी जहाँ उनको अधिक से अधिक वोट मिलेगा, इस आशा और विश्वास के साथ मैंने उनको आश्वासन दिया है। हापुड़ में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रबुद्ध समाज के लोगों के नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएं जिससे विरोधियों को संदेश मिल सके। उन्होंने नगर निकाय को विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि भाजपा को जिताने से क्षेत्र का अधिक विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और जो भी प्रत्याशी हापुड़ की हैं, समाज सेवी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शिक्षक भी हैं और तमाम उनका कार्य यहाँ रहा है जनता के, और भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, जो नेतृत्व संकल्प है, पूर्ण विश्वास है, यहाँ की जनता उनका आशीर्वाद देगी। और यहाँ पे जो तीसरी सरकार है ट्रिपल इंजन जो चल रहा है, केंद्र में तो है ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के, और तीसरी सरकार भी बनने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके आ रहा हूँ और लहर चल रही भारतीय जनता पार्टी की, और हापुड़ में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड लहराएगा और यहाँ चेयरमैन बने। प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को पार्टी ज्वाइन कराकर माहौल बना रही है जो कांग्रेसी हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसको जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है उससे कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा, भाजपा इस तरह भ्रामक खबरों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। 12 पार्षद उम्मीदवार उनके नाम भी दिए हुए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और डिप्टी सीएम साहब के सामने घोषणा हो रही है।
मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आखिर हम लोग झूठ का सहारा कब तक लेते रहेंगे। अब अगर आपका प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी से कांग्रेस प्रत्याशी टक्कर नहीं ले पा रहा है तो आपने वही हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जिसके लिए भाजपा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होती जा रही है। वस्तु एवं सेवा कर के राजस्व संग्रह ने इतिहास रच दिया है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,000 करोड़ रुपए रहा है, जो जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा कलेक्शन है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,67,000 करोड़ रुपए रहा था। पिछले बार अप्रैल के मुकाबले इस बार अप्रैल में जीएसटी संग्रह में करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा वसूली हुई है। हालांकि मार्च में जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए का रहा था। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी संग्रह बीते साल के अप्रैल महीने के मुकाबले 12% ज्यादा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह इस बात की सफलता को दर्शाता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को कैसे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी के इस ऐतिहासिक कलेक्शन को बड़ी खबर बताते हुए कहा कि कम कर के बावजूद भी अर्थव्यवस्था टैक्सेशन के मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। मुख्तार अंसारी गिरोह के शातिर अपराधी मोहम्मद सुहैब मुजाहिद की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बाराबंकी पुलिस कुर्क करेगी। इसे लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 में एआरटीओ द्वारा फर्जी कागजों से एम्बुलेंस पंजीकरण कराने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में निवासी मोहम्मद सुहैब मुजाहिद का नाम भी सामने आया था। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और अब संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी सहित उसके 11 सदस्यों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर क्राइम नंबर 369/21, 467, 68 और 71 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम पे 2022 में उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर देवा द्वारा की जा रही थी। लगातार इस गैंग से जुड़ी हुई अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करके और जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित थी। उसी क्रम में मोहम्मद सुहैल मुजाहिद की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मऊ में जानकारी मिली, जिसे जाके चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट दी गई थी डीएम साहब को। उनके स्तर से इसके जब्तीकरण के आदेश दिए गए हैं और ये कार्रवाई चिन्हांकन की और जब्तीकरण की आगे भी प्रचलित रहेगी। प्रदेश के गाजीपुर से लोकसभा के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 16 साल पुराने मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई है। साथ ही अफजाल अंसारी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। वहीं उनके भाई और माफिया मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की भी सजा सुनाई गई थी। अफजाल अंसारी के खिलाफ 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड और रूगढ़ा अपहरण मामले को लेकर दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर कल देर शाम मराठी समाज के एक कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र में विभिन्न परंपरा और समाज के लोग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी महाराष्ट्र को बनाने संवारने में मदद करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कल के दिन 2 प्रदेश बने थे, उनमें महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। दोनों प्रदेशों की जनता को इस अवसर पर राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी। छोटे राज्य या तो छोटे डिस्ट्रिक्ट या छोटे तहसील होते हैं तब उसका विकास जल्दी होता है। और इसी वजह से मुझे याद है कि 1956 में मैं जब 8वीं कक्षा में थी तब ये आंदोलन गुजरात में चलता था और महागुजरात की मांग थी। हम भी इसमें जुड़े थे, छोटे छोटे थे लेकिन स्कूलें बंद रहती थी और रोड पर जुलूस निकालते थे और महागुजरात जिंदाबाद का नारा लगाते थे। मुझे याद है आप भी लगाते थे मुझे वहां।
और फिर पहली मई के दिन 1960 में गुजरात राज्य अलग हुआ, तब से लेकर आज तक गुजरात का जो विकास हुआ है, इस तरह महाराष्ट्र का जो विकास हुआ है, चाहे आर्थिक दृष्टि से विकास हो, चाहे एजुकेशन की दृष्टि से विकास हो, चाहे हेल्थ की दृष्टि से विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हो, इंडस्ट्रीज के दिशा में हो, रोजगार की दिशा में हो, ऐसे कई अनेक अनेक प्रकार के विकास, उसका लाभ वहां की जनता को प्राप्त हुआ है। वाराणसी में गंगा पुष्कर महोत्सव में विजयवाड़ा के राव दंपति डॉ बीएस राव और उनकी धनपत्नी डॉ बी झांसी लक्ष्मी बाई तथा सीमा वो पन्ना विजयवाड़ा से 100 कर्मियों के दल के साथ वाराणसी आए हैं। वो यहां के गणेश महल स्थित भवन में विशाल काय रसोई में प्रतिदिन 20,000 से लेकर 25,000 लोगों को शुद्ध भोजन के पैकेट का वितरण करते हैं। कोतौलिया चौराहे पर स्टॉल लगाकर इन भोजन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। लगभग 60 से 70 सन्यासियों को प्रतिदिन अपने गणेश महल स्थित कैंप कार्यालय पर फलाहारी भोजन भी करा रहे हैं। भविष्य में सन्यासियों एवं तीर्थयात्रियों को प्रतिदिन भोजन कराने का संकल्प भी ले रहे हैं। ऐसा काशी में सेवा भाव करते हुए प्रथम बार ऐसे दंपति देखे गए जो सुदूर विजयवाड़ा से आकर काशी में पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए तीर्थयात्रियों को भोजन पैकेट वितरण कर रहे हैं। वी ब्रॉट 100 पीपल फ्रॉम हैदराबाद एंड विजयवाड़ा एंड लोकली वी एंगेज अनदर 50 पीपल and our main goal wherever there is pushkaras like this like krishna godavari kaveri we used to distribute food for the pilgrims who come from long distance morning breakfast afternoon lunch and evening dinner in kasi every day we are distributing nearly 19,000 one day 20,000 one day like that during Pushkara days, we want to seva prasad. We are distributing prasad. आईआईटी कानपुर और मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के मध्य पृथ्वी दिवस 2023 के संकल्प लेकर 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। झांसी छावनी के 5 परिसरों से इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो वेस्ट परिसरों में इन आर्मी स्टेशन को परिवर्तित किया जाएगा। सेना के कर्मियों को इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रशिक्षण होगा जो सेना के जवानों को दिया जाएगा। आईटी कानपुर में एक एमओयू साइन कर रहे हैं और द एम ऑफ दिस एमओयू टू मेक मिलिट्री स्टेशन कार्बन न्यूट्रल। सो विद दैट हम लोगों ने ये एमओयू जो किया है उसके अंदर हम लोगों की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद एक आईआईटी ऑडिट करेंगे बेस्ड ऑन देयर ऑडिट कि कितना कार्बन फुटप्रिंट कम कर पाया हमारे मिलिट्री स्टेशन, हमें कार्बन न्यूट्रलिटी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। आर्मी हैज रियली टेकन अ गुड इनिशिएटिव ऑन दिस लाइन और वो खुद आगे बढ़ के आ गया है कि हमारे कंटोनमेंट वो अपने कंटोनमेंट कार्बन न्यूट्रल में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आईआईटी कानपुर इज वेरी हैप्पी दैट वी आर नॉलेज पार्टनर फॉर आर्मी फॉर दिस नोबल कॉज दैट वी आर स्टार्टिंग देयर एंड इट इज नॉट ओनली नोबल बट आई थिंक क्योंकि इंडिया कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है बाय 2070 तो दिस विल रियली पेव आउट अ वे बाय डेमोस्ट्रेटिंग सम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स इन विद इन इंडिया एंड विद इन our own society or we are really excited to be बहराइच में भारत नेपाल संयुक्त समन्वय समिति की सीमा सुरक्षा बल की 42वीं बटालियन में बैठक की गई। बहराइच के जिलाधिकारी दिनेश चंद ने पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सीमा पर निगाह रखी जाए जिससे निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, खुली सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए, दोनों देशों की टीमें एक दूसरे के संपर्क में रहें और मतदान से पहले सीमा को सील किया जाए। नेपाल की तरफ से सीडीओ बाके विपिन आचार्य व सीडीओ बर्दिया नारायण प्रसाद रिसाल ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया।
आज विश्व अस्थमा दिवस है। अस्थमा एक सांस की बीमारी है जो वायुमार्ग को प्रभावित करती है। इसे गले में खरखराहट, खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये एक आम बीमारी है। दुनिया भर में लगभग 34 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। हाल के वर्षों में इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इस बीमारी का शिकार निम्न और मध्यम आय वाले देश बन रहे हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अस्थमा अधिक पाया जाता है। दुनिया में 14% बच्चे इस बीमारी से प्रभावित होते हैं और 2.5 लाख लोगों की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। ये बीमारी तंबाकू, धूम्रपान और वायु प्रदूषण से होती है। केजीएमयू में इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें लोगों को अस्थमा से बचाने के लिए जागरूक किया गया। 6 लाख करोड़ का बर्डन है अस्थमा की वजह से दुनिया भर में। 25 लाख से ज़्यादा मौतें हो रही हैं दुनिया भर में, जिसमें अगर हम बात करें इस बीमारी के फैलाव की, जैसा आपने सवाल किया, तो ये बीमारी छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये इस तरह से नहीं फैलती है जैसे बैक्टीरिया वायरस की बीमारी फैलती हैं। ये बीमारी ऐसी है जिसमें हाइपर सेंसिटिव एयरवेज होते हैं, और हाइपर सेंसिटिव एयरवेज जो हमारे हैं उन लोगों में कुछ ट्रिगर हो सकते हैं। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, मोल्ड्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन हो सकता है, पोलेंस हो सकते हैं, एनिमल डेंडर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आनुवांशिक भी हो सकता है। तो जिन लोगों के फेफड़े हाइपर सेंसिटिव हैं, जैसे कहेंगे कि छुई मुई की पत्ती पर ही आप उंगली लगाने से वो सिकुड़ती है, अन्य पौधे की नहीं सिकुड़ती, इसी तरह से जिसके फेफड़े हाइपर सेंसिटिव हैं उन्हीं लोगों को इसके लिए इन पे अटैक पड़ते हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं में होता है। मौसम विभाग ने आज लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, बिजनौर, बहराइच, पीलीभीत, एटा, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर की तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि आवश्यक न हो तो यात्रा पर ना निकलें, पेड़ और बिजली के तारों से बरसात के समय दूर रहें। वहीं पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। लखनऊ में भी कल से रुक रुक कर कई बार बारिश हो चुकी है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए जनता के दरबार में दे रहे हैं दस्तक। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा भाजपा जीतने के लिए नकली कांग्रेसियों को पार्टी में कर रही है शामिल। जीएसटी राजस्व संग्रह ने रच दिया इतिहास, अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन, अप्रैल में 1,87,000 करोड़ रुपए का किया संग्रह। और एमपीएमएल कोर्ट से सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता हुई समाप्त, मऊ से अफजाल अंसारी थे बसपा के सांसद। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।